कैसे हो मेरे भाइयों। मेरा नाम है सार्थक और आज मैं आपको ये सन दिखाने वाला हूँ कैसे करते हैं ये सन। तो सबसे पहली चीज़ ये मैं ब्लेंडर में कर रहा हूँ और इसके लिए जो इमेज लगती है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। सोलर सिस्टम स्कोप मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अल्ट्रा हाई डाउनलोड मारें, बहुत ही उसका हाई रेजोल्यूशन है, ये देख सकते हैं आप 8K 4K के आगे वाला। तो ये सन का टेक्सचर है, आप डाउनलोड करें इसे और फिर चलते हैं ब्लेंडर में। तो मैं सबसे पहले लोड स्टार्टअप फाइल करूँगा नया वाला, ये डिलीट कर दूँगा, ये भी डिलीट, और एक ऐड लैम्प पॉइंट करूँगा, यहाँ सेंटर में आ जाएगा फिर वो, और ये जो है वो पूरा ऊपर। तो अब ऐड करें मैश यूवी स्फीयर को और उसके 32 से 52 कर दीजिए और स्मूथ शेडिंग। फिर यहाँ जाइए ऐड मॉडिफायर सब सब डिविजन सरफेस रेंडर व्यूज़ में क्या होता है जो हमें दिखने वाला, और रेंडर है जो रेंडरिंग के टाइम होता है, तो वो रेंडरिंग का 4 कर दीजिए और यहाँ पर भी 4 आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। अच्छा अब क्या करना है, सबसे पहले ब्लेंडर रेंडर से साइकल्स में जाइए, वो अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट शिफ्ट जेड से। इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड गारंटेड लगेगा। अगर आपकी ग्राफिक कार्ड की मेमोरी बहुत कम है ना, इंटीग्रेटेड है, बहुत कम मेमोरी है, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। और यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से ये रेंडर टाइम अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर मटेरियल्स कोई सेट नहीं किया है। तो फिर से पीछे जाइए, ये थोड़ा ऊपर कर दीजिए और एक इसे सिलेक्ट कर कर यहाँ से नोड एडिटर तक, फिर यहाँ पर न्यू इसका दीजिए सन, फिर आप जूम कर सकते हैं, नहीं तो वो नंपैड वाले डिलीट का बटन दबाकर जूम कर सकते हैं वहाँ तक। अब क्या करना है, इसे स्ट्रेच कर दीजिए। डिफ्यूज को डिलीट कर कर मैं यहाँ पर ट्रांसल्यूसेंट लूँगा, ट्रांसल्यूसेंट को कनेक्ट कर दीजिए और फिर इमेज टेक्सचर, इमेज टेक्सचर, एक मिनट दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको और टेक्सचर डालिए इधर और टेक्सचर कोऑर्डिनेट ये जो है ओपन दबाकर वो आप इमेज अपनी सेट कर दीजिए। मेरी ये वाली इमेज है, ये देखिए, उसे सेट कर दीजिए। फिर जनरेटेड टू वेक्टर कनेक्ट कर दीजिए और ये जो फ्लैट है ना उसे चेंज कर कर स्फीयर, फ्लैट में दिखा था वो आपको क्या होगा, तो फ्लैट में जंबल्ड हो जाएगा। देखिए मतलब ये कैसा है ना, अपना प्लेन फ्लैट रहता है क्या और क्यूब वगैरह, तो उसके लिए वो यूज़फुल होता है, उसे फ्लैट से स्फीयर कर दीजिए। अच्छा कूल लुकिंग ये दिखेगा। अब हमें ना बस ये नॉर्मली दिख रहा है, इसमें कोई इफेक्ट्स नहीं है, मतलब ग्लो वगैरह कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले नॉर्मल मोड में आइए सॉलिड में, फिर ये जो है ना सन को सिलेक्ट कर कर एम दबाकर सेकेंड लेयर में डाल दीजिए। अब सेकेंड लेयर में जाइए, उसे शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट डी दबाकर इसे डुप्लीकेट हो जाएगा ऐसा, अंडू कर दीजिए और उसकी साइज है ना थोड़ी बढ़ा दीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो ग्लो दिखने के लिए। अब वो जो एटमॉस्फियर या ग्लो को एम दबाकर फिर से थर्ड लेयर में डाल दीजिए। तो फर्स्ट लेयर में बस हमारे पास एक कैमरा है और ये लाइट, दूसरे में ओरिजिनल सन, उसका नाम मैं सन कर दूंगा, और थर्ड वाला जो लेयर है उसका ग्लो। तो ग्लो का मटेरियल हटा दीजिए, हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब एक नया वाला मटेरियल यहाँ पर लेयर वेट कर दीजिए। लेयर वेट क्या कर देगा, उसका विटनेस वैल्यू बढ़ाएगा। डिफ्यूज सॉरी मिक्स, एक ट्रांसल्यूसेंट लीजिए, फिर से ट्रांसल्यूसेंट को यहाँ पर डाल दीजिए, नीचे जाएगा और फेसिंग की जो वैल्यू है वो यहाँ पर। अब देखिए ये नॉर्मल लुकिंग है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट दबाकर इन तीनों को सिलेक्ट कर देंगे। अब देखिए एक आउटर लेयर आ जाएगी इसकी,
जो कि ये ब्लर्ड लेयर है। तो हमें क्या करना है, अभी रेंडर करेंगे ना तो बस ऐसे नहीं दिखेगा, तो वो सेपरेट सेपरेट में दिखेगा। तो सबसे पहले सेकेंड लेयर को सेलेक्ट करें, फिर ये रेंडर लेयर को चेंज कर कर सन कर दीजिए, और यहाँ पर लेयर से, और यहाँ पर ये कौन से लेयर में है तो वो सेकेंड लेयर, और फर्स्ट लेयर में लाइटिंग है तो उसके लिए लाइटिंग। अब और एक ऐड करिए, इसे ग्लो कर दीजिए टेक्स्ट। ये अब ये थर्ड लेयर में है, इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है। अब इसे फर्स्ट वाला जो कि लाइटिंग है और थर्ड वाला अब हो गया है। देखिए सन वाले में सेकेंड, इसमें थर्ड। अब हम एक बार रेंडर कर लेंगे, मैं एक एंगल दूंगा। और एक चीज़, अगर आपका प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो है तो आप ना पास में मत रखिए, जूम कर कर थोड़ा कैमरा अपना दूर रखे तो वो पाथ ट्रेसिंग फास्ट हो जाएगा। मैंने एंगल अपना सेट कर दिया है। अब आप ना, मैं थोड़ा रिजोल्यूशन चेंज कर दूंगा इसका, बाद में फिर से बढ़ा दूंगा। वैलिडिटी 720। अब ये सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेगा सन के लेयर को, और उसके बाद ग्लो। सन हो गया, अब ग्लो वाला। ये एक बार होने के बाद आप देख सकते हैं ये कंबाइंड दिखाएगा आपको, कंबाइंड में दोनों दिख जाएंगे, ये वाला ग्लो है और ये वाला सन। अब हम ये वाला बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पर वर्ल्ड में चाहिए और ब्लैक। मैंने आपको ये चीज़ बताई क्योंकि देखिए ऐसे फास्ट कर रहा है, यहाँ पे फास्ट हो रहा है, यहाँ पे स्लो होता है, तो आप दूर रखेंगे कैमरा तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और आपको जब एक्चुअल रेंडर करना है ना तो वो पास में रख दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। तो यूज नोट्स, यहाँ पे चाहिए कॉम्पोजिशन, बैकड्रॉप, और लेफ्ट CTRL शिफ्ट दबाकर क्लिक करें और व्यूअर नोड आ जाएगी। ये बैकड्रॉप से दिख रही है हमें, और ये सन की लेयर है तो उसे लेफ्ट शिफ्ट दबाकर डुप्लीकेट करिए, और सन से ग्लो पर जाइए, यहाँ पर मिक्स, और इसे भी कनेक्ट, और ये वाली लेयर यहाँ पर, और मिक्स से ऐड करेंगे तो हमें ये दिखेगा 0। तो मैंने वैल्यूज वहाँ पर चेंज कर दी, फिर से रेजोल्यूशन सेट किया। अब मैं क्या करूँगा, ग्लो वाली लेयर है ना, पहले आप देख सकते हैं ऐसा दिख रहा है नॉर्मल, उसे चेंज कर कर मैं एक ब्लर दूंगा, कि नहीं, ऐड फिल्टर और ब्लर, गॉशियन ब्लर से फास्ट गॉशियन, और साइज सेट करूँगा 3। ये एक ग्लोइश लेयर तैयार कर देगा। अगर आपको उसमें थोड़ा एडिशन करना है ना तो कलर और कलर RGB कर्व्स दीजिए, मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा आपको, ये ऐसे कर देगा। रेड वाली वैल्यू थोड़ी बढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो बहुत ही रेड दिखेगा। और ये ऐसा है, अब हम रेंडर में जाएंगे और सबसे पहली चीज़ सेव कर देंगे, इसका नाम दूंगा STR Star Sun, सेव कर दूंगा। अब कोई भी गलती हुई तो प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब मैं अपना कैमरा फिर से सेट करूंगा, रेंडर के लिए आप F12 दबा सकते हैं। तो रेंडर होने के बाद ये ऐसा दिखेगा, इजी है, सिंपल है ब्लेंडर में बनाने के लिए। और
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और डेफिनेटली सब्सक्राइब करो यार, मेरे अभी 183 है, उसको 184 हो जाएंगे और फिर 200। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि आपको पता है ये है मेरी सार्थक लाइफ। बाय। Oy 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 oy. Whoo!